Hello and welcome my dear students. Today we will study about our next tense. The next tense is present progressive tense. In my previous classes, I have told about your progressive. Progressive, it means continuous. प्रोग्रेसिव का मतलब मैंने बताया था कंटिन्यूस टेंस, या मैं कह सकता हूँ आई एन जी फॉर्म, या मैं कह सकता हूँ फोर्थ फॉर्म. देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर क्या होता, मैंने कहा ना हर सेंटेंस या हर टेंस का एक स्ट्रक्चर होगा. जैसे प्रेजेंट सिंपल का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए ई एस प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट. ये हमारा किसका स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट सिंपल का. उसी प्रकार अगर हम बात करें कंटिन्यूस की, तो कंटिन्यूस में मैंने कहा था आई एन जी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है. इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस में हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे. तो मैंने कहा था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो किसका रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का. किसका रहेगा, कंटिन्यूस का. देखो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इज ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकेंड इज ऑलवेज पास्ट. इन दोनों टेंस में प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल में क्या होगी, मेन वर्ब की फॉर्म दे रखी होगी. लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी हो या परफेक्टिव टेंस कोई सा भी हो, अगर उसकी हम बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो या भले ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. कहने का मतलब एक तो परफेक्टिव आस्पेक्ट और एक क्या होगा, प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट. ये दोनों जो आस्पेक्ट हैं ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते. इसका मतलब यदि हमें परफेक्टिव फॉर्म से टेंस बनाना है या सेंटेंस बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, और प्रोग्रेसिव से बनाना है तो भी हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी. तो देखो मैंने कहा था मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो ही है क्योंकि कंटिन्यूस से पता चल रहा है प्रोग्रेसिव टेंस है. लेकिन इसके साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब की भी आवश्यकता होगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इज एम आर. तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और उसके साथ क्या होगा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म. मैंने कहा था वर्ब से पहले हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट. मैंने कहा था सब्जेक्ट क्या हो सकता है, हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और ये हमेशा क्या होगा डूअर, किसी भी कार्य को करने वाला, और ये क्या होगा ऑब्जेक्ट, अफेक्टेड. तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता. तो स्ट्रक्चर ध्यान में रख लेना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर. अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ कब करते हैं, क्या ऐसी कंडीशन है जब हम यूज करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखो वैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी चार्ट से समझाया था, अभी भी मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज कब होता हूं मैं चार्ट से आपको समझा देता हूं. देखो मैंने कहा था प्रेजेंट का कितने टाइम होते हैं अपने पास, तीन टाइम है. एक तो प्रेजेंट टाइम है, एक पास्ट टाइम है, और एक हमारे सामने कौन सा टाइम है, फ्यूचर टाइम है. तीन हमारे पास टाइम हो गए. मैंने कहा प्रेजेंट को मैं किससे शो करता हूँ, नाउ से, पास्ट को देन से, और फ्यूचर को नेक्स्ट से. और इन तीनों टाइम के थ्रू मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था टेंस ऑलवेज शोज टाइम. टेंस हमेशा किसको शो करते हैं, टाइम को शो करते हैं. तो मैं लगभग सभी जो टेंसेस हैं वह आपको चार्ट से समझाऊंगा कि कौन सा टेंस कौन से टाइम को शो करता है, या टाइम के कौन से एस्पेक्ट को शो करता है. अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसका मतलब कंटिन्यूस. कंटिन्यूस का मतलब कोई भी जो वर्क है दैट इज़ कैरी ऑन, ये भी क्या है, जारी है वर्तमान में, उसकी हम क्या करते हैं बात करते हैं. अब देखो मैं जब प्रेजेंट की बात करूँ, मान लो मेरा कोई भी एक एक्शन हुआ, ये स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है, और ये चलेगा लेकिन कभी कभी तो ख़त्म होगा. तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कोई भी एक्शन जो स्टार्ट हुआ लेकिन ये वर्तमान में क्या है, जारी है, वर्तमान में क्या है, कैरी ऑन है. ये जो आस्पेक्ट है जो मैंने कहा आपको हाफ राउंड किया था, ये इसे बोलते हैं कैरी ऑन या कंटिन्यूस आस्पेक्ट.
कहने का मतलब कोई भी एक्शन, जब मैंने एक्शन की शुरुआत की या कोई भी मैंने वर्क की शुरुआत की, तो यहाँ से लेकर जो कैरी ऑन जारी रहेगा उसे हम किस में काउंट करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अच्छा, जब इनके की वर्ड्स की हम बात करें तो मैंने कहा जैसे नाउ, नाउ इट मीन्स अभी की बात कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो नाउ भी इसका क्या हो गया की वर्ड। मान लो मैं इन दिनों क्या कर रहा हूँ, दीज डेज, ये इसका की वर्ड होगा। एक होता नाउ अ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, यह मैं कह सकता हूं करंटली, अभी मैं क्या कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज कम करते हैं जब वर्तमान समय में हम कोई भी कार्य जो जारी रखते हैं या जो भी कार्य हमारा वर्तमान में चल रहा है, लेकिन वो क्या होगा, टेम्परेरी होगा। क्या होगा, टेम्परेरी। जब टेम्परेरी कोई भी वर्क की हम बात करते हैं तब हमारे दिमाग में एक ही टेंस आता है, वो कौन सा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके लिए मैंने कहा था दिस डेज, दिस डेज का मतलब होता इन दिनों में क्या कर रहा हूँ, नाउ डेज वो भी मैं इन दिनों क्या कर रहा हूँ, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया। एट दिस मोमेंट इसी क्षण में क्या कर रहा हूँ, करंटली अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में जितने भी कीवर्ड्स हैं वह ये शो करते हैं कि जो वक्त जो चल रहा है वो वर्तमान में कंटिन्यू क्या है, जारी है, और बाद में थोड़ी देर बाद वो फिनिश होने वाला है। इसलिए मैंने कहा था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो टेंस है वो हमेशा किसको शो करता है, टेम्परेरी एक्शन को। अभी हमें आपको बताऊंगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस टेम्परेरी एक्शन को कैसे शो करता है, सभी सेंटेंसेस की बात करेंगे, जब तक एग्जांपल नहीं देखेंगे तब तक समझ में आएगा नहीं। तो कहने का मतलब इस चार्ट से मैंने क्या खींचा, हो गया पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। लेकिन प्रेजेंट में जो एक्शन अपना चल रहा है, जो कंटिन्यू है, जारी है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का। तो दीज डेज, नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, करंटली, नाउ, ये सब जो कीवर्ड्स हैं वो किसके आएंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के। इतना सा ध्यान रखना है। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑलवेज शोज टेम्परेरी एक्शन, ये किसको शो करता है, ये टेम्परेरी एक्शन को शो करता है, वो अभी हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। अब देखो हम एग्जाम्पल की बात करें, दो चीज़ हमारे दिमाग में ध्यान रखनी। सबसे पहली बात, मैंने इसका स्ट्रक्चर तो आपको बता ही दिया, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से एक आएगा। अब देख लो स्ट्रक्चर की बात के बाद हम बात करते हैं इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसे ही बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि व्हाट इज द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यदि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आएगा। इसलिए हमारे सामने ऑप्शन से या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा था इज की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इज, एक बात करते हैं हम एम और एक बात करते हैं हम आर, कि ये तीनों किस किस के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से आएंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं इज की, मैंने कहा ही, शी, इट और नेम। नेम का मतलब नाउन, किसी भी व्यक्ति का नाम, ही, शी, इट, ये सभी क्या है, प्रनाउन, जो नाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ही फॉर बॉयज एंड शी फॉर गर्ल्स। एम के साथ क्या आएगा, आई, और आर की हम बात करें तो यू, वी, दे, यह हम इन्हें कह सकते हैं प्लूरल। देखो यू, वी, दे, इनके साथ क्या आएगा, आर, ही, शी, इट और नेम, इनके साथ क्या आएगा, इज, और आई हमेशा किसके साथ आया, एम के साथ। तो कहने का मतलब जो इज, एम, आर है, जो किसके अकॉर्डिंग आएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम है तो क्या आएगा, इज, यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो क्या आएगा, एम, और यदि हमारा सब्जेक्ट इन दिनों में से है, यू, वी, दे, तो क्या आएगा, आर। एक बात तो ये तुम्हारे दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए, कोई सा भी सेंटेंस हम बनाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, मैंने कहा था प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये हमेशा कौन से एक्शन को शो करता है, टेम्परेरी एक्शन को शो करता है। कौन से एक्शन को, टेम्परेरी एक्शन। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है,
जो मैंने कहा था यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है, हैबिचुअल की बात करता है, वो तीनों टाइम को शो करता है। और उस प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो वो इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, बिल्कुल विपरीत है। जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेम्परेरी एक्शन की बात करता है, उसी प्रकार जो प्रेजेंट सिंपल जो हमारा टेंस है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है ऑलमोस्ट परमानेंट एक्शन की बात करता है। कौन से एक्शन की बात करता है? परमानेंट की। और ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो कार्य वर्तमान में जारी है उसके लिए बात करता है, इसका मतलब टेम्परेरी एक्शन की बात कर रहा है, और प्रेजेंट सिंपल हमेशा किसकी बात करता है? परमानेंट एक्शन की। तो ये दोनों जो टेंस हैं एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है, विपरीत है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में मैं इन दोनों एग्जांपल को एकदम कॉन्ट्रेरी बताऊंगा कि किस प्रकार प्रेजेंट सिंपल परमानेंट एक्शन की बात करता है और किस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेम्परेरी एक्शन की बात करता है। तो अब हम दोनों के एग्जांपल साथ साथ में पढ़ेंगे कि कौन किसको शो करता है। देखो मैंने इधर कहा, जैसे मान लो एक साइड हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की बात कर लेते हैं और एक तरफ हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के दो, प्रोग्रेसिव के दो या आईएनजी फॉर्म। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल और ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैंने कहा था प्रेजेंट सिंपल यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, इवेंट प्रेजेंट बहुत सारी घटनाओं को शो करता है और इसमें जो भी एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट एक्शन। ये किसकी बात करेगा? परमानेंट एक्शन की। लेकिन जब हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस की तो ये किसकी बात करता है? ये बात करता है टेम्परेरी एक्शन। और टेम्परेरी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही जो सीमित समय के लिए जो टेंस है उसकी बात हम करते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल और ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये बात करता है परमानेंट एक्शन की और ये किसकी बात करता है? टेम्परेरी एक्शन की। अब देखो जब परमानेंट की बात करते हैं दोनों के जो एग्जांपल्स हैं हम बिल्कुल कॉन्ट्रेरी विपरीत पढ़ेंगे। जैसे मेरा पहला एग्जांपल, मैं पहला एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने कहा शी सिंग्स वेल, और यहां पर मैं अगर बात करूं तो इसी से मैं कंटिन्यूस बना देता हूं, शी इज सिंगिंग वेल। अब ये दो हम सेंटेंस तुम्हारे सामने है। अब मैंने कहा सिंग्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एसी है, इसका मतलब ये कौन से टेंस की बात करता है? प्रेजेंट सिंपल। फिर मैंने कहा इज सिंगिंग, ये तो क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या होगी? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये कौन से बात टेंस की बात करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस के। अब देखिए लेकिन एक चीज़ इसमें समझनी है आपको, मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल परमानेंट एक्शन की बात करता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो टेम्परेरी एक्शन की बात करता है। तो इस सेंटेंस में कोई ना कोई टेम्परेरी एक्शन है और इसमें क्या है? परमानेंट एक्शन। अच्छा मैंने कहा शी सिंग्स वेल, इसका मतलब यहाँ पर जो लड़की हैं वो क्या हो सकती हैं? सिंगर हो सकती हैं, जो वह अच्छा गा रही हैं, और इसके साथ हो सकता है इसमें इनबोर्न टैलेंट। इसका मतलब इसमें सिंगिंग का क्या है? टैलेंट है, इसीलिए ये क्या कर रही? अच्छा इसका मतलब यहाँ मैं सिंगर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब जब भी ये लड़की गाना गाएगी इसका मतलब ऑलमोस्ट हमेशा क्या गाएगी? वेल, अच्छा ही गाएगी। कभी भी गाए वो गाना वो अच्छा ही गाएगी, बिकॉज शी इज अ सिंगर, वो क्या है? सिंगर है, और उसका जो टैलेंट है वो इनबोर्न है। इसका मतलब यहाँ पर वो कभी भी गाए तो परमानेंट वो अच्छा ही गाएगी, इसे बोलते हैं शी सिंग्स वेल। लेकिन यहाँ जब हम बात करें मैं कह रहा हूँ शी इज सिंगिंग वेल, इट मीन्स ये अच्छा गाती नहीं है, लेकिन मान लो एक दो गाने पे उसने एफर्ट किया हो और अभी पार्टीज वगैरह किसी में भी वो अच्छा गा रही है, गाने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब ये टेम्परेरी एक्शन है। वो एक गाना अच्छा गाएगी या आज अच्छा गा सकती हैं, लेकिन कभी वो लगातार अच्छा कभी भी नहीं गा सकती हैं। वो अच्छा गा रही है बस, गाती नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट सिंपल है वो परमानेंट एक्शन की बात करता है और यहाँ पर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो टेम्परेरी एक्शन की बात करता है। सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, मैंने कहा सीता लुक्स ब्यूटीफुल, और यहां अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूं, मैंने कहा सीता इज लुकिंग ब्यूटीफुल। अब दो सेंटेंस हैं, मैंने कहा यहां पर क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल और परमानेंट एक्शन की बात करना। फिर मैंने कहा सीता इज लुकिंग ब्यूटीफुल, और यहाँ पर मैंने कहा ये तो हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब और ये क्या हो गई? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने कहा इस सेंटेंस की बात करूँ, मैंने कहा सीता लुक्स ब्यूटीफुल, सीता अच्छी लगती है, इसका मतलब वो है, और यहाँ पर जो उसकी ब्यूटी है वो क्या है? नेचुरल है,
ये जो इसकी ब्यूटी है वो क्या है, नेचुरल, इसका मतलब एक्चुअल में ये सुंदर है। लेकिन मैं बात करता हूँ सीता इज लुकिंग ब्यूटीफुल, इसका मतलब वह अच्छी दिख रही है, है नहीं। यहाँ पर बात किसकी आ रही है, टेम्परेरी एक्शन की। आप देखते हो मैरिजेज वगैरह पार्टी वगैरह में, तो हम कह सकते हैं कभी आप किसी को बोलते हो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, इट मीन्स वह ब्यूटीफुल है नहीं लेकिन ब्यूटीफुल दिख रही है, किसी भी पर्पज से हो सकता है, शायद मेकअप ही समझ लो। लेकिन सीता लुक्स ब्यूटीफुल, इट मीन्स यहाँ पर जो उसकी ब्यूटी है वो नेचुरल है, वो कभी भी दिखेगी तो अच्छा ही दिखेगी। इसका मतलब यहाँ सीता क्या है, यहाँ उसकी जो परमानेंट नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ पर क्या है, टेम्परेरी है। थर्ड सेंटेंस की मैं बात करता हूं, बहुत ही इजी एग्जांपल अपन लिविंग से ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई लिव इन आसिन, आई लिव इन आसिन, और इधर मैंने कहा आई एम लिविंग इन जयपुर। ये दो आपके सामने सेंटेंस है। अगर इन दोनों सेंटेंस की बात करें तो मैंने कहा लिव, इसका मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने कहा ना जब प्रेजेंट सिंपल हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये परमानेंट एक्शन की बात कर रहा है। या इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा परमानेंट जो एड्रेस है, जो मेरा परमानेंट जो एड्रेस है वो कहाँ का है, आसिन का है। इसका मतलब मैं प्रॉपर जो मेरा रेजिडेंट है वो क्या है, आसिन दे, आई लिव इन आसिन। या मैं परमानेंट एक्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा आई एम लिविंग इन आसिन, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या ing फॉर्म है। और जब मैंने कहा था एम के साथ फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेम्परेरी एक्शन की बात करता है, इसका मतलब आई एम लिविंग इन जयपुर, मैं जयपुर में रह रहा हूँ लेकिन मैं जयपुर का हूँ नहीं, मेरा ये टेम्परेरी एक्शन है, एक या दो या तीन साल में रहूँगा, वापस मेरे को जाना था कि अपने रेजिडेंट में। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो टेम्परेरी एक्शन हो सकता है, कोई भी आपका पर्पज हो इसलिए आप जयपुर रहे, मान लो स्टडी आपका पर्पज हो गया, स्टडी आपका क्या हो गया, पर्पज हो गया, स्टडी पर्पज से रह रहे हो, बिजनेस पर्पज से रह रहे हो, कुछ भी रह रहे हो। तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल ऑलवेज शोज परमानेंट एक्शन एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑलवेज शो टेम्परेरी एक्शन, या टेम्परेरी एक्शन की बात करता, एक ऐसे एक्शन की बात करेगा जो बहुत ही कम समय के लिए क्षणिक है, और ये ऐसे एक्शन की बात करेगा जो ऑलमोस्ट परमानेंट है। तो मैंने कहा शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है, इसका मतलब शी इज अ सिंगर, वह सिंगर है और उसका इनबॉर्न टैलेंट है, उसकी आवाज़ अच्छी है, शी इज अ गुड वॉइस, उसकी आवाज़ अच्छी है इसलिए वो अच्छा गाती है। लेकिन मैंने कहा शी इज सिंगिंग वेल, तो ये किसकी बात करता है, टेम्परेरी की बात कर रहा है कि अभी वो अच्छा गा रही है लेकिन वो अच्छा गाती नहीं है, मतलब यहाँ पर वो सिंगर नहीं है। फिर बार क्या मैंने कहा सीता लुक्स ब्यूटीफुल, सीता क्या है, अच्छी दिखती हैं, इसका मतलब वो अच्छी है इसलिए दिखती हैं, ये उसकी नेचुरल ब्यूटी है या इनबॉर्न ब्यूटी है। लेकिन मैंने कहा सीता इज लुकिंग ब्यूटीफुल, यहाँ पर टेम्परेरी है, कुछ भी रीजन हो सकता है अच्छा दिखने का, अच्छा आज लग सकते हो शादी पार्टी कुछ में किसी में भी। यहाँ देखो आई लिव इन आसिन, इसका मतलब मेरा परमानेंट एड्रेस जो है वो कहाँ का है, आसिन का है, मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं रहता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ आई एम लिविंग इन जयपुर, इसका मतलब जयपुर में मैं निवासी नहीं हूँ, मैं इसका मतलब इसकी बात किसी स्टडी पर्पज़ से, बिजनेस पर्पज़ से, किसी पर्पज़ से एक टेम्परेरी एक्शन के तहत रह रहा हूँ, ये मेरा टेम्परेरी एक्शन है। तो ध्यान हमेशा ये रखना है कि जब परमानेंट एक्शन की बात हो तो प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, और टेम्परेरी एक्शन की बात हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे। ये बिल्कुल आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा इनके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव की बात करेंगे हम। एक ये आस्पेक्ट हुआ कि टेम्परेरी एक्शन क्या होता है और परमानेंट एक्शन क्या होता है। अब देखो मान लो ये एक सेंटेंस लेता है, मैंने कहा शी इज, देखो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कोई भी सेंटेंस हो उसके हम कितने सेंटेंस बनाएंगे, फोर सेंटेंसेस। एक तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका आंसर हमेशा यस में हो या पॉजिटिव आंसर हो, उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहला तो अपना क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर हम बात करें तो कौन सा सेंटेंस बनेगा अपना, नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो अपन बात करें वो कौन सा बनेगा, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। और जो फोर्थ जो सेंटेंस बनेगा वो इन दोनों को मिला के बनेगा, जिसे अपन बोलते हैं इंट्रो प्लस नेगेटिव, और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। ये चार सेंटेंसेस हमारे सामने हैं। अच्छा अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो मैंने कहा था जो अफर्मेशन की बात करता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात करता है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे शी इज सिंगिंग वेल, वे अच्छा गा रही है। अच्छा नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नॉट। लेकिन ये जो नॉट है ये केवल और केवल किसके साथ लग सकता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लग सकता है। तो इसका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है, क्यों, कि मैंने कहा था नेगेटिव बनाने के लिए नॉट की आवश्यकता होती है, और नॉट केवल और केवल किसके साथ लग सकता है,
हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कितनी है अपनी 24। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेज की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने इज हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग क्या मेन वर्ब है, इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी देर की है तो इसका नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है। जैसे शी इज सिंगिंग वेल, वह अच्छा गा रही है, तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है वो क्या बनेगा उसकी हम बात करें, क्योंकि मैंने कहा था ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, और नेगेटिव बनाने के लिए नोट की आवश्यकता होती है, और नोट किसके साथ लग सकता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है 24, और 24 में से एक हेल्पिंग वर्ब भी क्या है इज, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी इज नॉट सिंगिंग वेल, वह अच्छा नहीं गा रही, बहुत ही ईजी। अच्छा फिर मैंने कहा था इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है और जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों का हम क्या करते हैं इनवर्जन करते हैं, क्या करते हैं इनवर्जन। इनवर्जन का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे से को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस करते हैं। अब मान लो इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है शी है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है इज है, यदि हम इन दोनों को रिप्लेस कर दें एक दूसरे की जगह पर इन्वर्जन कर दें तो ये क्या बन जाएगा इंट्रोगेटिव। मैंने क्या कर दिया शी इज, शी इज का मैंने क्या कर दिया इज शी, मैंने क्या इज शी सिंगिंग वेल, क्या वह अच्छा गा रही है। लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट में क्या हो जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर मैं बात करता हूँ इंट्रो नेगेटिव की, इंट्रो प्लस नेगेटिव दोनों चीज़ है। फिर मैंने कहा था इंट्रोगेटिव के लिए हम किसकी बात करते हैं कि इन दोनों का इन्वर्जन, तो इन्वर्जन तो मैंने वापस कर दिया इज और शी। लेकिन इसके बाद क्या नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव के लिए किसका यूज करते हैं नॉट का, तो इज शी नॉट सिंगिंग वेल, क्या वह अच्छा नहीं गा रही है। ये क्या हो गया इसके चारों सेंटेंसेस। कहने का मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना कब आसान हो जाता है, जब हमारे सामने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देर की हो और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब देर की होती है। मैंने कहा केवल दो टेंस जैसे हैं प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं देर की होती है, इसीलिए उसको हम डमी ऑपरेटर डू का यूज़ करते हैं, डू डज का यूज़ प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, और डिड का यूज़ पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। ये अपना सेंटेंस क्या हो गया कंप्लीट। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करें तो ये हमारे सामने सेंटेंस है आई एम लिविंग इन जयपुर। अच्छा मैंने कहा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है एम, लिविंग क्या है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नेगेटिव बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं नॉट का, नॉट किसके साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है एम, तो क्या हो जाएगा आई एम नॉट लिविंग इन जयपुर। ईजी है, बहुत ईजी है। फिर मैंने कहा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है और जो सब्जेक्ट है इन दोनों का क्या करते हैं इन्वर्जन, तो क्या हो जाएगा एम आई नो एम आई लिविंग इन जयपुर, क्या मैं जयपुर में रह रहा हूँ, ये हो जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर बात करते हैं इंट्रो नेगेटिव की, तो इंट्रो प्लस नेगेटिव दोनों साथ में। इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं इन्वर्जन, ये कर दिया मैंने इन्वर्जन एम आई, और इंट्रो प्लस नेगेटिव तो ये लगा दिया नोट, तो एम आई नोट लिविंग इन जयपुर, ये हो गया कौन सा सेंटेंस इंट्रो नेगेटिव। तो कहने का मतलब मैंने कहा था प्रेजेंट कंटिन्यूस हमेशा टेम्परेरी एक्शन की बात करता है, ऐसा वर्क जो वर्तमान में जारी है उसकी बात करता है। फिर मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या होगा स्ट्रक्चर। फिर मैंने आपको इसके कीवर्ड्स बताए थे कौन कौन से हैं नाउडेज दीज डेट दीज डेज एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट नाउ, ये सभी जो है करंटली किसके कीवर्ड्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के, क्योंकि ये सभी एक टेम्परेरी एक्शन की बात करते हैं। फिर मैंने बताया था आपको कि कोई सा भी सेंटेंस हो उसको चार सेंटेंस होंगे अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेशन की बात करता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात करता है, नेगेटिव नॉट की बात करता है। मैंने कहा नेगेटिव बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है नॉट, और नॉट किसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो नॉट लगा वो नेगेटिव बन जाएगा। नहीं दे रखी कौन से दो टेंस में नहीं दे रखी होती एक प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, वो मैं बता चुका हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम क्या करना सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन करना, तो बहुत ही ईजी है नेगेटिव बनाना इंट्रोगेटिव बनाना और इंट्रो नेगेटिव बनाना, यदि आपने हेल्पिंग वर्ब को सही से पढ़ा या वर्ब वाले टॉपिक को आपने सही से पढ़ा। तो इस प्रकार हमारे ये क्या हो गए इंट्रोगेटिव भी हो गया नेगेटिव हो गया इंट्रो नेगेटिव सभी सेंटेंसेस हो गए। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है किसको शो करता है वो टेम्परेरी एक्शन को क्या करता है शो करता है। अब देखो आप बात करोगे कि किस प्रकार ये
प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब टेम्प्रेरी एक्शन की बात करते हैं। और मैं बता, मन कहा जैसे आप एक गली से गुजरे और आपने देखा द डॉग इज बार्किंग, कि कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है, इसका मतलब इज बार्किंग। ये तो क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गई मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये अपना टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब देखो इसके हम एक चीज़ और बात करें, मैंने क्या कहा था जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो किसकी बात करता है, ये बात करता है टेम्प्रेरी एक्शन की। इसका मतलब जब आप गली में गुजरे तभी तो ये कुत्ता भौंका, इसका मतलब ये इमीडिएट प्रेजेंट की बात कर रहा है। इमीडिएट का मतलब तत्काल, जैसे ही आप गुजरे कुत्ता वहाँ पर क्या कर रहा था, भौंक रहा था, द डॉग इज बार्किंग। ये भी किसकी बात करता है, टेम्प्रेरी एक्शन की बात कर रहा है, कुछ समय के लिए भौंकेगा बाद में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा इसका अगर नेगेटिव बनाना तो क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नोट लगा दो, क्या हो जाएगा, द डॉग इज नॉट बार्किंग। इंट्रोगेटिव बनाना तो क्या हो जाएगा, द डॉग और इसका क्या हो जाएगा इनवर्जन, इज द डॉग बार्किंग, क्या कुत्ता भौंक रहा है, और क्या हो जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इंट्रो नेगेटिवली क्या करते हैं अपन, इज द डॉग नॉट बार्किंग, क्या कुत्ता नहीं भौंक रहा है, ये हो गया इसका इंट्रो नेगेटिव। अच्छा इसके दो सेंटेंस भी दो, ये एक और तरीके से हो सकता है, इजंट द डॉग बार्किंग, ये भी हो सकता है, ये भी सही है, इजंट द डॉग बार्किंग, ये भी सही है और ये भी सही है, और दोनों क्या है इंट्रो नेगेटिव। अच्छा मान लो मैंने कहा टेम्प्रेरी एक्शन में, कुछ एग्जांपल की और बात करता हूँ, जैसे मान लो अभी एट दिस टाइम की बात करते हैं, इन दिनों क्या है कोरोना है, तो क्या हुआ मैंने कहा जैसे आई एम टेकिंग या हैविंग ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा ये मेरा कौन सा एक्शन है, ये मेरा टेम्प्रेरी एक्शन है, परमानेंट एक्शन तो क्या है, आई ऑलवेज टीच इन स्कूल्स, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, वो मेरा कौन सा एक्शन हो गया परमानेंट। लेकिन मैंने कहा आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, मैं भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, और दिस इज माई टेम्प्रेरी एक्शन नॉट परमानेंट एक्शन। मेरा परमानेंट एक्शन तो क्या है कि आई टीच इन स्कूल्स, मैं किस में पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने कहा आई टीच इन स्कूल्स, मैं स्कूल्स में पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये मेरी कौन सी बात कर रहा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, परमानेंट एक्शन बात। लेकिन इन दिनों कुछ वजह हो सकता है, कुछ कारण हो सकता है, और वो कारण क्या है कोरोना, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा आपकी बात करते हैं, आप कहाँ पढ़ते हो, आप भी तो स्कूल में पढ़ते हो, वो तो आपका क्या हो गया परमानेंट एक्शन। लेकिन टेम्प्रेरी एक्शन क्या होगा, नाउ यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब पे क्या ले रहे हो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, और ये तुम्हारा क्या है टेम्प्रेरी एक्शन। अच्छा मैं अभी की बात करूँ, नाउ आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है, या नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, अभी मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग टू यू, सभी क्या है टेम्प्रेरी एक्शन। और भी मैं कह सकता हूँ नाउ आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें भी क्या कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या है टेम्प्रेरी एक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमेशा टेम्प्रेरी एक्शन की बात करता है, और इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी विपरीत प्रेजेंट सिंपल वो किसकी बात करता है परमानेंट एक्शन की। ये हमें क्या रखना है ध्यान में रखना है। अच्छा मान लो इन दिनों आप कुछ कोर्स कर रहे हो, तो मैंने कहा जैसे I am doing a course these days, इन दिनों मैं क्या कर रहा हूँ कोई कोर्स कर रहा हूँ, हो सकता है कोर्स कुछ भी, मान लो मैं किसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कोई मैं RSC, RSCIT का कोर्स कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कोई डांसिंग क्लासेज है उसको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जब भी आपके दिमाग में केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट आए कि टेम्प्रेरी एक्शन, किसकी बात आए टेम्प्रेरी, और टेम्प्रेरी एक्शन की जब भी आपके दिमाग में बात आए तो एक ही टेंस होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एक दो चीज़ें और हैं, देखो कभी कभी क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में गोइंग टू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं गोइंग टू, और गोइंग टू क्या करता है अपने इंटेंशन की बात करता है, और ये प्रोबेबिलिटी की बात करता है, संभावना की बात करता है, ये इंटेंशन की बात करता है। कैसे गोइंग टू से सेंटेंस बनने वाले, गोइंग टू का मतलब ये होता है इंटेंशन या प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी संभावना की बात करता है। कैसे जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, या टुमारो भी कह सकता हूँ, मैं क्या हूँ मुंबई
जा रहा हूँ, गोइंग टू, ये क्या रहा है, गोइंग टू, हेल्पिंग वर्ब तो ये रही गोइंग टू, और मैंने कहा गोइंग टू अपना इंटेंशन, इसका मतलब मेरा इरादा क्या है, कल शायद बॉम्बे या मुंबई जाने का है। तो कहने का मतलब ये गोइंग टू भी किसके साथ यूज होता है, कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, और गोइंग टू अपने इंटेंशन की बात करता है, ये प्रोबेबिलिटी की बात करता है। तो ये हुआ, दैट्स ऑल, थैंक यू, ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट टेंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।